पहली फिल्म जब ऑफर हुई थी कमल हासन के साथ थी, तो आई कुड से नो दिस एंड मैं करूँगी, लेकिन मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं। हमारी इंडस्ट्री को मैं कुछ वो नहीं कहती, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी बहुत मेहनत करती, वो लोग भी बहुत मेहनत करते, लेकिन वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन हैं। मतलब वो इतने बड़े स्टार थे कि इतना इतना सा भी घमंड नहीं। एक्चुअली तेलुगु फिल्म मैंने जो सबसे पहली फिल्म की थी कृष्णा जी के साथ, वो आंध्रा की तेलुगु फिल्म थी, और उसके बाद जो दूसरी लैंग्वेज में मैंने किया था वो कमल के साथ था मलयालम। तो सलील चौधरी जी उस फिल्म का म्यूज़िक दे रहे थे, तो दे वर लुकिंग फॉर वन न्यू गर्ल। तो उन्होंने कहा कि अभी जरीना की चिच्चो रिलीज़ हुई है, वो अच्छी है लड़की, आप वाई डोंट यू ट्राई हर। तो ऐसा दैट्स हाउ आई गॉट दैट रोल। हमारी इंडस्ट्री को मैं कुछ वो नहीं कहती, लेकिन हमारी इंडस्ट्री भी बहुत मेहनत करती, वो लोग भी बहुत मेहनत करते, लेकिन वहाँ के लोग बहुत डिसिप्लिन हैं, बहुत ही डिसिप्लिन हैं। टाइम को इतना महत्व देते हैं वो लोग। हाँ, मैं नागेश्वर राव जी के साथ शूटिंग कर रही थी, तो यहाँ बॉम्बे में मैं एक फिल्म कर रही थी विनोद खन्ना जी के साथ, शशि कपूर जी और नीतू, विनोद खन्ना जी और मैं, एक और 11 थी फिल्म का। तो यहाँ पे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मुझे कहें कि प्लीज़ जरीना जी आप कैसे भी करके आ जाइए, विनोद खन्ना जी की डेट बहुत मुश्किल से मिली है। मैंने कहा मैं नागेश्वर राव जी के साथ काम कर रही हूँ, मैं कैसे आऊँगी, आप 2 बजे आ जाइए तो हम 4 बजे से आपका काम शुरू कर सकते हैं। तो मेरा और नागेश्वर राव जी का गाना चल रहा था, तो मैंने नागेश्वर जी को, मैंने डायरेक्टर को रिक्वेस्ट किया, तो डायरेक्टर ने कहा हम कुछ नहीं कह सकते, अगर नागेश्वर राव जी टाइम पर आ जाते हैं हम आपको 2 बजे छोड़ देंगे। तो मैंने नागेश्वर जी से कहा, नागेश्वर जी प्लीज़ कैन यू कम एट 7 o'clock, 7 बजे अगर आप आ जाएंगे तो हम अपना काम ख़त्म कर सकते हैं। ओके, और मैं पहुंची 7:30 बजे, 7 बजे नागेश्वर जी विथ मेकअप ही वाज सिटिंग देयर ऑन द चेयर। मतलब ये होती है उनकी बात, मतलब वो इतने बड़े स्टार थे कि इतना इतना सा भी घमंड नहीं। जैसे उन्होंने कहा कि आई विल कम ऑन टाइम, ही केम ऑन टाइम एंड ही विथ मेकअप। फिर मैं ख़त्म करके वापस बॉम्बे आई एंड सीधा मैं गई, आरके में शूटिंग थी, आरके में शूटिंग करके फिर वापस मैं बॉम्बे हैदराबाद वापस गई। नो इट वॉज़ लाइक दैट। नहीं नहीं, मुझे साउथ में काम करना बहुत अच्छा लगता है। ऑफकोर्स हमारी इंडस्ट्री मेरे लिए जान है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस थोड़ा सा ये लोग पंचुअल हो जाएँ, टाइम पर आ जाएँ तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, और कुछ नहीं। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आंध्रा, तो तेलुगू मेरी लैंग्वेज है, तेलुगू के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, लेकिन मलयालम में मुझे पहली फिल्म जब ऑफर हुई थी कमल हासन के साथ थी, तो आई कुड से नो दिस एंड मैं करूँगी, लेकिन मुझे लैंग्वेज नहीं आती है। फिर भी मैंने कहा चलो करते हैं। फर्स्ट डे जब मैं गई थी, वो लोगों ने डायलॉग्स दिया था, तभी जमीनी स्टूडियोज़ था, अभी जमीनी स्टूडियो शायद नहीं है। जमीनी स्टूडियो में मैंने लाइन्स देख के मैं रोने लगी, मैंने कहा मुझसे नहीं होगा। देन कमल को बुलाया, मैंने कहा कमल प्लीज़ आई वोंट बी एबल टू डू इट, मैं चली जाऊँगी। नहीं नहीं, आप आई हैं तो आप एक काम करो, आप फर्स्ट डे काम कर लो, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो यू कैन गो बैक टुमारो, अभी नाउ यू आर सिंस यू आर रेडी, हम आपका लाइन्स प्रॉम्प्ट करेंगे, चाहे तो आप कहीं से लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए, हम डब किसी और से करवा लेंगे। तो डायरेक्टर ने कहा लिप मूवमेंट करेक्ट दो, करेक्ट एक्सप्रेशन दो, तो हम ओके कर देंगे। तो मैं रोते रोते एनीवे सेट करके पहला दिन काम किया, सब लोगों ने हेल्प किया मुझे, आई सेड नॉट बैड। ऐसे करते करते मैंने 29 मूवीज़ में काम किया। अच्छा मज़ा आता है, आई लव वर्किंग इन द साउथ। अभी एक फिल्म मेरी विराटा पर्व में एक रिलीज़ हुई, साई पल्लवी और राणा दुग्गू पाटी की थी, और दूसरी फिल्म मैं कर रही हूँ प्रभास के साथ। हाँ, उसकी 2 शेड्यूल हो चुके हैं, अभी तीसरा शेड्यूल के लिए अभी जाना है मुझे। एक्चुअली एक बात मैं कहूँ, आई डोंट हैव टू वर्क नाउ, एक ज़माना था मुझे काम करना ही था, आई डोंट हैव टू वर्क नाउ, आई वॉन्ट टू वर्क, हैव टू एंड वॉन्ट टू में बहुत फ़र्क है। सो मुझे काम करना अच्छा लगता है। एनीवे मैंने वेब सीरीज़ भी किया है, अभी वेब सीरीज़ मेरी रिलीज़ भी होने वाली है, तो वो भी अच्छा है। मैंने मदर का रोल किया था सबसे पहले किसना में, सुभाष घई जी ने मुझे ऑफर किया था, विवेक ओबरॉय वॉज देयर, एंड देन आई डिड माय नेम इज़ खान, एंड देन आई डिड अग्निपथ, देन आई डिड हिम्मत वाला, देन आई डिड जॉन इब्राहिम की माँ भी बनी थी मैं एक फिल्म में, एंड विवेक के साथ मैंने 2-3 फिल्में की, देन आई डिड रक्त चरित्र विथ हिम। सो आई एम हैप्पी वर्किंग, कि मदर के रोल में भी एक बात होती है, अच्छा रोल होता है तो दे ऑफर मी, एंड अच्छा लगता है। एक एज के बाद आपको यू आर गेटिंग फिल्म्स एंड नाइस रोल्स, सो आई एम लकी। आजकल के नए बच्चे हैं, दे आर गुड, दे वर्क हार्ड, वो लोग काम करते हैं, और मुझे ज़्यादा टेक्निकली काफ़ी चेंजेस आ गए। पहले तो कैमराज अब भी अलग थे, कुछ कुछ अलग था, लेकिन अभी
बस उस वही डिफरेंस है था बस, मुझे उसके अलावा मुझे और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। बीइंग मैं साउथ इंडियन हूँ शायद इस वजह से मेरी मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, वो अच्छा लगता है बहुत। आई डोंट डिमांड बट आई गेट। ऑडियंस से मैं यही कहूँगी थैंक यू सो मच, मुझे इतने सालों से मोर देन 40 ईयर्स आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री, मैं अपने आप को बहुत लकी समझूँगी। ये सिर्फ आप लोगों का प्यार है जो मुझे यहाँ तक ले आया। अब देखती हूँ जब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे मैं काम करूँगी।